जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का अनुष्का अकेडमी उदयपुर यूट्यूब चैनल पे। आज इस सेशन मन में बात करने वाले आपके पटवारी भर्ती के बारे में। आप सभी को पता है पटवारी भर्ती की आपकी स्वीकृति आपके सामने आ चुकी है। जो फकीरी मिजाज रखते हैं वो ठोकरों में ताज रखते हैं, जिनको कल की फिक्र नहीं है वो मुट्ठी में आज रखते हैं। तो आज आपके बीच में आपकी भर्ती आप सभी के सामने, पटवारी भर्ती के लिए बड़ी सूचना आपके सामने आ चुकी है कि आपकी इसके अंदर 2000 के समथिंग पदों पर भर्ती की सूचनाएं मिल चुकी है। तो वो क्या न्यूज़ है क्या नहीं है, आपकी ये ऑफिशियली रूप से नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस नोटिफिकेशन को लेकर आप सभी के बीच में मैं हाजिर हूँ। इस नोटिफिकेशन के बारे में देखें और इसके बाद आपका सिलेबस डिफरेंस देखने वाले हैं। क्या ये सीईटी के अंदर शामिल होगी क्या नहीं होगी, होगी तो इसके अंदर सिलेबस डिफरेंस क्या है, अभी आप सीईटी की तैयारी करते हैं बेहतरीन है या फिर आपकी पटवारी की करनी चाहिए, और या सीईटी से एग्जाम पहले होगा पटवारी का या बाद में होगा, तमाम बातें इसमें कवर करने वाले हैं। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, अनुष्का अकेडमी टेलीग्राम के साथ जुड़ जाना, ये नोटिफिकेशन आपके इस टेलीग्राम में मिल जाएगा और इसके अंदर सारी जानकारी हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। YouTube के ऊपर आपकी डेली लाइव क्लासेस वगैरह चल रही है, जीके वगैरह की, वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब आगे बात करता हूं और आपके बीच में ये नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है, जिसके अंदर अजमेर जयपुर को छोड़कर जिसके अंदर पटवारी पदों की न्यूनतम पद हेतु अभ्यर्थना भिजवाने बाबत हेतु आप देख सकते हैं आप सभी के सामने। आपके इसके अंदर 1963 पदों पर आपके प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है आपके बीच में। आप देख सकते हैं आपके 1963 पदों पर आपकी भर्ती आपके देखने को मिलेगी। ये 1963 पदों पर ही कैसे आएगी, इससे पहले आपने सुना था कि 3000 पदों पर आएगी, ये आपकी रद्द हो चुकी है। आपकी इसके अंदर 1963 पदों पर आएगी। अब पद ही जो खाली बताया जा रहा है 2300 प्लस आपके पद खाली बताए जा रहे हैं, लेकिन आपके 1963 पदों पर भर्ती आपको देखने को मिलेगी। 2300 प्लस पदों पर खाली बताया जा रहा है। इस बीच में आपके जो आपके 1963 पद पर भर्ती आएगी, जिसके अंदर आपके जयपुर और अजमेर दोनों जिलों को आपके छोड़ दिए हैं, इनके अंदर आपके कितने पद खाली है क्या है वो अभी तक बताया नहीं है। बाकी जिलों के अंदर सारी लिस्ट तैयार करके इसके साथ में दी है। अब इस लिस्ट के अंदर अपने देखते हैं क्या सीईटी का मामला लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। आप देख सकते हो किस कैटेगरी को कितने प्रतिशत इसके अंदर प्रावधान दिया गया है, जिसके अंदर जनरल ईडब्ल्यूएस को 10, एससी को 16, एसटी को 12, ओबीसी को 21, एमबीसी को 5, टोटल 100। तो आपके बीच में है इस टाइप का ये नोटिफिकेशन जारी, जिसके अंदर स्वीकृति हेतु कार्यरत रिक्त भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को वर्णन करना। तो इसके अंदर आपके कितने पद रिक्त है और कितने पद इसके अंदर हो गए, टीएसपी नॉन टीएसपी दोनों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप सभी के बीच में आप देख सकते हो, आगे बात करता हूं और आपके बीच में ये लिस्ट आपके सभी के सामने, जिसके अंदर आपके देख सकते हो पटवारी पद अप्रैल 2024 गैर अनुसूचित क्षेत्र, जिसके अंदर आपकी नॉन टीएसपी बोला जाता है, नॉन टीएसपी एरिया जिस क्षेत्र के अंदर आपका आता है। सबसे पहले क्रम संख्या लिखी है, जिलों का नाम लिखा है, कुल स्वीकृत पदों की संख्या लिखी है, कार्यरत पदों की संख्या लिखी है, रिक्त पदों की संख्या लिखी है, इधर आपके भर्ती कितने पदों पर आ सकती है ये चीजें लिखी है। तो अब इसके अंदर जिले नाम लिखे हैं आपके, टोटल 48 जिले इसके अंदर शामिल किए गए हैं। दो जिले आपको मैंने पहले बता दिए, वो जिले इसके अंदर शामिल नहीं किए गए, अजमेर और जयपुर। आप देख सकते हो आप सभी के सामने, मैं कुल पे ले चलता हूं। सबसे पहले सभी जिलों के अंदर आप 48 जिले यहाँ पे देख पाओगे, 44 जिले, दो जिले इसके अंदर छोड़े हुए हैं। आप देख किएगा, आप इसके अंदर सामने देख सकते हो आपके टोटल इसके अंदर जो भर्ती है 11201, इसके अंदर कार्यरत आपके जो आपकी स्वीकृत है आपके इतने कार्यरत इतने, ये सब इसके अंदर दे रखा है। जब खाली पदों की बात आती है तो 2399 पद खाली बताए जा रहे हैं और 1680 नॉन टीएसपी की बात कर रहा हूँ, नॉन टीएसपी एरिया की ये पद है आपके, 1680 पद इसके अंदर अवेलेबल है। अब इसके अंदर अनुसूचित क्षेत्र जो आपकी टीएसपी एरिया आता है, इस टीएसपी क्षेत्र के अंदर आपके कितने पद खाली है कितने नहीं है वो भी और देख लेते हैं। अब इसके अंदर 1680 पद तो ये हो गए, इसके अलावा इसके अंदर बात करूँ आपके लिए टीएसपी एरिया का, तो यहाँ पे आप टीएसपी एरिया का देखते हो तो 283 पद स्वीकृति मिल चुकी है, 402 पद कुल खाली है। आपके कुल 2791 पद यहाँ पे है खाली, कौन से है 2791 पद तो यहाँ पे खाली है आपके, और इसके बीच में आपके यहाँ पे 1963 पदों पर आपकी भर्ती आपके लिए देखने को मिलेगी। तो 1963 पदों पर आपके नोटिफिकेशन आप देख सकते हो आपके बीच में बहुत जल्दी आपके सामने पेश होने वाला है। आप सभी को पता है 4 जून को आपका क्या होने वाला है,
आचार संहिता का रिजल्ट आने वाला है, लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने वाला है, वो देखोगे। और 7 जून तक आपका इसके अंदर आपका आचार संहिता पूरी तरह हट जाएगी। आचार संहिता हटने के बाद चाहे गवर्नमेंट किसी की बने, इंडिया के अंदर आपकी कांग्रेस बने चाहे बीजेपी बने, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी इसके अंदर अगले 15 से 20 दिन के अंदर आपके लिए पटवारी की भर्ती की नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगी, नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप इसके अंदर आप तैयारी में लग सकते हैं। अब तैयारी में लगते हैं तो इसके अंदर सिलेबस देखते हैं, आपका पटवारी के अंदर सीईटी में शामिल होगी या नहीं होगी। तो अभी तक ऑफिशियली रूप से ऐसा स्पेशली पटवारी के लिए कोई न्यूज़ दी नहीं है, लेकिन आपको बता दूं कि पटवारी भर्ती है आपकी इसके अंदर सीईटी के अंदर शामिल हो सकती है, ये सीईटी के अंदर शामिल हो सकती है। किसी यूट्यूबर ने भी बताया था कि नहीं होगी, किसी यूट्यूबर ने बताया होगी, तो अब किसकी माने या किसकी नहीं माने वो तो ऑफिशियली रूप से आएगा तब पता चलेगा। अभी तक जहाँ तक न्यूज़ है कि आपकी पटवारी की भर्ती सीईटी में शामिल होगी, और जैसा कि एलडीसी में शामिल हुई थी, एलडीसी सीईटी में शामिल हुई थी, इसी टाइप से आपकी ये भी शामिल होने वाली है। ये लास्ट पेज ये आप देख सकते हो, जिसके अंदर 1963 पदों पर जो आपकी तत्संबंधित नियमों प्रावधानों दिशा निर्देशों में विभिन्नीय न्यायालयों द्वारा इस संबंध में पारित निर्णयों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करते हुए सीधी भर्ती से भरने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। तो आप देख सकते हो आपकी प्रदान की जा चुकी है इसके अंदर। अब आपका इसके अंदर अपने देखने वाले हैं आपका जो सिलेबस वगैरह क्या रहता है सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का, प्लस आपके इसके अंदर पटवारी भर्ती का। तो इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा आपके सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस, ये आपका सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का है, ग्रेजुएशन लेवल का, ये पटवारी का। तो आप बोलोगे इसके अंदर दोनों के अंदर डिफरेंस आपने कुछ नहीं दिखाया, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का जो सिलेबस है इसके अंदर जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसके अंदर सीधा सीधा स्पष्ट लिखा था जनरल साइंस, जनरल इंडिया जी के, राजस्थान जी के जनरल साइंस, आपके हिंदी इंग्लिश रीजनिंग बेसिक कंप्यूटर सीधा लिख के आपके 150 और इसके अंदर 300 लिख दिया, और अलग अलग कुछ नहीं लिखा कितने बांटे के कितने क्या करेंगे। तो हमने अलग अलग इसके अंदर बांट दिए कि किसके अंदर कितने क्या रहेंगे। तो इस हिसाब से बांटने पर हमें ऐसा लगा कि इसके अंदर पटवारी के अंदर इस टाइप से बांटे हुए हैं, आप देख सकते हो पटवारी के अंदर इस टाइप से बांटे हुए हैं, तो हमने सीईटी का भी इस टाइप का बांट दिया ग्रेजुएशन लेवल का। तो सीईटी आपका सितंबर अक्टूबर में एग्जाम होने वाला है ग्रेजुएशन लेवल का, तो आप इसके अंदर निरंतर तैयारी अपनी जारी रख सकते हो। सीईटी में बेहतरीन नंबर ले आओगे तो आपका इसके अंदर, पिछली बार सीईटी में जिसने हल्का ले लिया ना उनका एलडीसी में फॉर्म नहीं आएगा। अब 17,000 पास करेंगे एलडीसी के अंदर, तो अब 17,000 के अंदर आप शामिल होंगे या नहीं होंगे। 12th लेवल की बात कर रहा हूँ, तो अब इसके अंदर आपका ग्रेजुएशन लेवल आपके सीईटी लागू हो रही है पटवारी के अंदर, तो ये आपके पटवारी का सिलेबस है जिसके अंदर जीके एंड जीएस, ये आपकी इंडिया जीके की बात कर रहा हूँ, इंडिया जीके जीएस की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर आपके 38 क्वेश्चन आते हैं और 76 नंबर की आती है। ये पटवारी भर्ती पहले वाली है जिसके अंदर आपकी 180 मिनट और 3 घंटे का टाइम मिलता है, 300 अंक का होता है, 150 प्रश्न आते हैं। तो ये आपका पहले वाला है जिसके अंदर राजस्थान का जीके की बात करूं तो 60 अंक का आता है, 30 प्रश्न आते हैं, हिंदी इंग्लिश की बात करूं तो 22-44 आते हैं। इसके अंदर पटवारी और सीईटी के अंदर मोटा मोटी डिफरेंस देखें तो एक सिर्फ और सिर्फ गणित का डिफरेंस है आपके इसके अंदर, पटवारी में गणित पूछी जाती है, सीईटी के अंदर गणित नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना लगा मुझे, तो और ज़्यादा इसके अंदर कुछ फ़र्क लगा नहीं मुझे। अब आपको क्या फ़र्क लग रहा वो मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अंदर भी आपके कंप्यूटर पूछी जाएगी 15% 30 अंक की, रीजनिंग मैथ आपकी इसके अंदर 45% 90 अंक की, तो इसके अंदर आपका फ़र्क क्या रहा? वो सेम चीज़ें इधर आप देख सकते हो, इसके अंदर भी आपकी जीके एंड जीएस है जो आपकी इंडिया जीके की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर आपकी 38 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके अंदर आपकी 76 मार्क्स आ रहे हैं। राजस्थान जीके की बात करूं तो इसके अंदर राजस्थान जीके भी आपका 30 क्वेश्चन 60 अंक का, और हिंदी इंग्लिश की बात करूं तो इसके अंदर भी आपका 22 क्वेश्चन 44 अंक। हाँ, ये हो सकता है कि हमने ये सेम चीज़ें उठा के इधर लिख दी, लेकिन 1-2-5% का फर्क पड़ जाता, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लगभग सेम ही चीज़ें ये रहने वाली है। इसके अंदर आपकी सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग जो रहेगी 45 क्वेश्चन 90 अंक की, और इसके अंदर कंप्यूटर है जो आपकी 15 क्वेश्चन 30 अंक। हाँ, इसकी जगह ऐसा मान सकते हैं कि 15 का ऐसा स्पेशली लिखा नहीं है तो यहाँ पे 12 प्रश्न ही आएंगे, 24 अंक ही होगा। रीजनिंग भाई साहब यहाँ पे 45 जगह 48 आएगी, यहाँ पे 48 का डबल हो जाएगा प्रश्न, ये इस टाइप का यहाँ पे
इस एक दो प्रश्न का फर्क पड़ सकता है क्योंकि ये सभी एक साथ में लिखा है। मैं शुरुआत में क्या बताया, ये सारी चीजें लिख के और अलग अलग ऐसे नहीं लिखा, ऐसे लिख दिया कि 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 अंक आएंगे, 180 मिनट का समय मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग होगी, वो सारी बातें लिख दी और क्या होगा, एक प्रश्न एक अंक का वो नोटिफिकेशन छाप दिया। तो अब इन चीजों से अपने इस टाइप से डिवाइड तो कर सकते हैं ना भाई, इसके अंदर इतने आएंगे, इसके अंदर इतने आएंगे, वो चीजें इसके अंदर है, वो सारी चीज। अब मेरा मानना यह है कि आप पटवारी की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बेहतरीन होगा, और इसके अंदर पटवारी के साथ साथ आप ग्रेजुएशन सीईटी की तैयारी हो जाएगी। अब सीईटी का एग्जाम पहले होने वाला है तो आप सोचेंगे सीईटी का करता हूं तो ठीक रहेगा, तो हाँ बिल्कुल सीईटी का कर सकते हैं, लेकिन इसकी मैथ का सब्जेक्ट और ऐड कर लीजिए, मैथ एक्स्ट्रा पढ़ना शुरू कर दीजिए ताकि आपकी पटवारी के साथ में हो जाएगी, अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा। जीके जीएस मैथ रीजनिंग हिंदी इंग्लिश ये सब सेम ही रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। आप अनुष्का अकेडमी टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए, ये नोटिफिकेशन जो आ जाए वो भेज दूंगा ताकि आपको पूरा डिटेल ही पढ़ने को मिल जाएगा। कोई और डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, हम मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।